हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनिक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिडी मैपिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कीबोर्ड मैपिंग कर सकते हो एबिल्टन लाइफ 10 में अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से। सो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है सो कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एबिल्टन में मिडी मैपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मिडी कंट्रोलर है या फिर कोई आपके पास लॉन्च पैड है या लॉन्च की कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है लॉन्च की का या फिर कोई भी मिडी प्रोडक्ट है, सो आप कैसे उसको कर सकते हो कनेक्ट अपने एबिल्टन से। एंड जो आज इस वीडियो में मैं कंट्रोलर यूज करने वाला हूँ वो मिडी कंट्रोलर है नोवेशन का लॉन्च की मिनी 25 कीज। सो ये आज मैं यूज करने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे दो कैमरे दिखेंगे जहां पे दोनों में आपको दिखेगा, कंप्यूटर पे भी एज वेल एज मेरे मिडी कीबोर्ड पे भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइज, स्क्रीन पे आपके सामने है एबिल्टन लाइफ 10 एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने अपने पहले भी एक ट्यूटोरियल में लिया था। सो मैंने सोचा इस वीडियो के लिए भी ये परफेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पे कुछ ड्रम्स हैं, सो मैं ड्रम्स को सबसे पहले लूप कर लेता हूँ और एक बारी थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा, थोड़ा सा ही सुनाऊँगा। सो यहाँ से मैं इसको लूप करूँगा, ये सेक्शन में लूप करता हूँ एंड कंट्रोल एल से लूप एंड मैं प्ले करता हूँ एक बारी। सो गाइज, अब मैं ऑटो फिल्टर ऐड करूँगा अपने मास्टर चैनल पे क्योंकि फिल्टर एक ऐसा इफेक्ट है जो कि बेस्ट रहेगा इस ट्यूटोरियल के लिए। सो यहाँ से मैं ऑटो फिल्टर ऐड करता हूँ मास्टर चैनल पे एंड यहाँ पे मैं दो फिल्टर ऐड करूँगा, दो ऑटो फिल्टर, एक हाई पास और एक लो पास। अब जो ऑटो फिल्टर की फ्रिक्वेंसी फिल्टर की नॉब है उसको मैं कंट्रोल करूँगा अपने मिडी कीबोर्ड से। सो मुझे क्या करना होगा इसको असाइन करने के लिए, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एम एंड यहाँ से अब हम जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हम लिंक कर सकते हैं। सो फिल्टर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैं गया, मैंने इस पर क्लिक करा, देन अपने मैं मिडी कीबोर्ड पे जाऊँगा। आप यहाँ पे कैमरे में देख सकते हैं ये वाली नॉब को मैं बस हल्का सा टर्न कर दूंगा एंड ये असाइन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद मैं अपने सेकेंड वाला जो फिल्टर है उस पर आऊँगा, अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद जो मैं सेकेंड वाला मेरा यहाँ पे नॉब है मैं इसको यहाँ से हल्का सा रोटेट कर दूँगा एंड आप ये यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे असाइन हो गया है। अब मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस एम एंड अब मैं प्ले करूँगा और साथ में देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक जो फिल्टर है वो अपना वर्क कर रहा है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो डायल है उसको मैं पूरा ऑल द वे यहाँ पे कर देता हूँ एंड इसको ऐसे कर देता हूँ। सो अब ये दोनों डीएक्टिवेट हैं एक तरीके से। सो अब मैं प्ले करता हूँ फिर से। तो जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों नॉब्स जो थी अब ऑटो फिल्टर को कंट्रोल कर रही थी। सो इसी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। सो अब मैं लेने वाला हूँ एक VST प्लगइन, VST प्लगइन से मेरा मतलब है एक थर्ड पार्टी VST प्लगइन जिसको मैं कंट्रोल करूँगा अपने मिडी कीबोर्ड से। सो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने सीरम लिया है और जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ लूप। बेसिकली ये 100 कॉर्ड्स हैं सो ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा एंड यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सोलो। सो ये है पैटर्न और अब एक बारी मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो फिल्टर नॉब है, एक बारी मैं प्ले करता हूँ और उसके बाद इसको एडजस्ट करता हूँ इसकी फिल्टर नॉब। सो
सो अब इस नॉब को हम कंट्रोल करने वाले हैं अपने मिडी कीबोर्ड से. सो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एम, एंड उसके बाद यहाँ पे करना है हमें क्लिक. देन हमें ये वाली जो थर्ड नॉब है उसको हमें हल्का सा रोटेट करना है. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे CC23, यहाँ पे एक जो मिडी है वो ऐड हो चुकी है. अगेन मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस एम और यहाँ से इसको कर दूंगा मैं, इसको मैं क्लोज नहीं करता हूँ. और अब एक बारी प्ले करते हैं. तो आपने देखा यहाँ पे कैसे मैंने अपने मिडी कीबोर्ड से जो पैरामीटर्स हैं उसको कंट्रोल किया है. ये वाले मिडी कीबोर्ड पे मेरे पास सिर्फ नॉब्स हैं, लेकिन अगर आप कोई दूसरा मिडी प्लेयर इसमें अटैच करेंगे, आई मीन मिडी कंट्रोलर अटैच करोगे जिसमें काफ़ी सारे पैड्स होंगे जैसा कि आप ये देख सकते हो, एंड बहुत सारे उसमें नॉब्स होंगी, फेडर्स होंगे, सो आप एक एक करके इसी तरीके से असाइन कर सकते हो. सिर्फ आपको जिस पैरामीटर को कंट्रोल करना है आप उस पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद जिस की से या स्लाइडर से या फिर नॉब से आपको कंट्रोल करना है आप उसको टच कर दोगे. सो सिंपल है, आप इस तरीके से अपने एबल्टन लाइव में किसी भी चीज़ को अपने मिडी कंट्रोलर के साथ कंट्रोल कर सकते हो. सो गाइज आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा, नहीं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.